मोहतरम, एक ऐसी चीज जो हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम की जिंदगी को जब हम स्टडी करते हैं या तारीख की किताबों में देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नजर आती है, वो ये है कि हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम सिर्फ अपनी जात का नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो तमाम अरब माशरे का सोच रहे थे। वो एक ऐसा माशरा बनाना चाहते थे कि जहां पर अदल व इंसाफ हो, जिसकी बुनियाद ही इंसाफ हो। हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम अपनी पूरी जिंदगी में उसी माशरे की तशकील के लिए और एक ऐसा आइडियल निजाम कायम करने के लिए हमें कोशा नजर आते हैं। अब ये चीज हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम की हयात तैयबा में भी हमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती है। हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में हम जितनी रवायात देखते हैं, जितनी अहादीस देखते हैं, या जो भी तमाम तर चीजों का मुताला करते हैं, उसमें एक बहुत कॉमन और एक बहुत अहम चीज है, वो ये है कि जब आप कयाम करेंगे, जब आप जहूर फरमाएंगे, तो आप पूरे माशरे को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जबकि वो जुल्म से भर चुका होगा। तो इस चीज का क्या मतलब है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम भी अपने जद हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम की तरह एक ऐसा माशरा कायम करेंगे कि जिसकी असास जो है वो अदल और इंसाफ पे होगी। हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम ने सबसे पहले तारीख में किसामत का जो एक तरीका कार था उसको राइज किया। इसके बारे में तारीख हमें ये बताती है, शारह इब्न अबी हदीद में ये मौजूद है कि जमाने जाहिलियत में हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम ने उम्र इब्न अलकमा के खून के बारे में पहले पहल कसामत का तरीका कार राइज किया और फिर इस्लाम ने इसे अपने अहकाम में जगह दे दी। तो गोया हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम दीने इस्लाम में और शरीयत इस्लाम में और जो इस्लाम के अहकामात हैं उनको बनाने में अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम ने उम्र इब्न अलकमा की जब कत्ल के बारे में सुना तो उन्होंने लोगों को किसामत के तरीके के बारे में बताया। अब किसामत का तरीका क्या है, तो इस सिलसिले में तारीख ये बताती है, किसामत ये है कि अगर कोई शख्स कत्ल हो जाए और उसके वारिस जो हैं वो ये दावा करें कि फलां शख्स इसका कातिल है, लेकिन उनके पास कोई गवाह मौजूद ना हो, लेकिन उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हो कि जो उनकी बात की पर दलालत कर सकते हो या उसको ऑथेंटिक साबित करने में मददगार साबित हो सकते हो, तो फिर वो लोग के जो दावा कर रहे हैं उनसे 50 टाइम्स 50 मरतबा कसम ली जाती है कि हाँ फलां शख्स ही कातिल है। अगर 50 अफराद मौजूद ना हो, कबीले वाले या अहले खाना 50 मौजूद ना हो, तो फिर उनसे इतनी तादाद में कसम ले ली जाती है कि वो 50 का नंबर जो है वो पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 25 अफराद हैं तो सबसे दो दो मरतबा इस बात की कसम उठवाई जाएगी कि हाँ फलां शख्स इसका कातिल है। तो इस तरीके कार को कसामत का तरीका कहते हैं और तारीख इस बात को साबित करती है कि ये तरीका पहले दीन इस्लाम में मौजूद नहीं था। हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम ने सबसे पहले इस तरीके को अपने जब दौरे हयात था उसमें राइज किया, अरब के माशरे में राइज किया, और जब देखा गया कि इसके क्या फायदे हैं और देखा गया कि किस तरह से ये माशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से जो खून है वो नाहक जाया नहीं हो रहा, बल्कि उसका बदला लेने के लिए या मकतूल और कातिल के दरमियान एक जो रास्ता है वो हमवार किया जा रहा है, तो इसके बाद दीने इस्लाम ने इसको अपने अहकामात में जगह दी। तो गोया ये हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम का एक और बहुत बड़ा एहसान है दीने इस्लाम पे कि उन्होंने इस तरह से इंसानियत को तहफ्फुज़ अदा किया है कि अगर कोई शख्स कत्ल हो जाए और उसके जो वारिस है उनके पास कोई दलील ना हो तो उनके पास कम अज कम ये तरीका कार जरूर मौजूद हो।